दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है ग्रीन पनीर मखनी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज हम यहाँ पे कच्चे टमाटर की पनीर मखनी सब्जी बना रहे हैं। एक पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर कॉर्न, इलायची, दालचीनी और बे लीफ। पिंच इसमें हम सूट पाउडर ऐड करेंगे। एक कप रफली चॉप कैबेज ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे फ्रेश कच्चे टमाटर लिए हैं, वो ऐड करेंगे। इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम 8 से 9 मिनट तक कुक होने देंगे, जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट और मैशी ना हो जाए। इसमें हम 2 ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे और इसे कवर करके हम 5 मिनट तक और इसे हम कुक होने देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे काजू और मस्क मेलन सीड भिगो दिए थे 30 मिनट तक, वो ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम लिया है, वो ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट बना देंगे हम। ग्रेवी को मैंने एक पैन में ले लिया है। 1/3 स्पून इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। 1 स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे। अब इसमें हम फ्रेश पनीर ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। कच्चे टमाटर की ग्रीन पनीर मखनी हमारी रेडी है टू सर्व। आप इसे गरम गरम रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हो। बहुत ही डिलीशियस लगती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।